शराब घोटाला केस में ईडी की तरफ से समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि अगर घोटाला होता तो वह पैसा कहां गया। केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, भाजपा मुझे भी गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है, इनका मकसद जांच करना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। मेरे वकीलों ने बताया कि मुझे लगता है कि मुझे भेजे गए समन अवैध हैं। बीजेपी का उद्देश्य मेरी जांच करना नहीं है बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करने देना है। वे जांच के बहाने मुझे बुलाना चाहते हैं और फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था और वह एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में आप नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है।